हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज की इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं। देखिए, 3 दिन पहले नीति आयोग का आदेश आया था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने के संदर्भ में, तो नीति आयोग के जो अमिताभ जी हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने बीके यादव, जो कि आपके रेलवे के चेयरमैन हैं, उनको एक खत लिखा था और एक इन्फॉर्मेशन कन्वे किया था कि कम से कम 50 रेलवे स्टेशनों और कम से कम 150 पैसेंजर ट्रेनों का निजीकरण किया जाए। और इस विना पे और इस तर्ज पर, चूंकि एयरपोर्ट 6 एयरपोर्ट का इसके पहले निजीकरण हो चुका था, एक पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस ट्रेन का निजीकरण हो चुका था, जिससे नीति आयोग रेलवे डिपार्टमेंट को ये आंकड़ा दिखा रही थी कि 6 एयरपोर्ट के निजीकरण से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ वो लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ रुपया हुआ, तो इसको लेकर प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही गई। और उन्होंने एक ग्रुप के गठन की बात की है जिसका नाम ईजीएसओ है, जिसमें नीति आयोग के जो सीईओ हैं, जो रेलवे के चेयरमैन हैं और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी असिस्टेंट है, ये सारे लोग, और इनसे जो एक ग्रुप बनेगा, इसका नाम है ईजीएसओ। देखिए, ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, निजीकरण, ये बहुत बड़ा झटका है युवाओं के लिए और आम आदमी के लिए। देखिए, रेलवे को तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ फायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका आम आदमी को लगेगा और वैसे तबके को लगेगा जो कि कम भाड़े में ट्रेन की यात्रा कर लेते थे, अब उन्हें अपने जेब से अधिक खर्च करने होंगे। अभी हर चीज महंगा है, हर सेक्टर में मंदी है, और उसके बाद जेब से अगर पैसा आम आदमी को देना पड़े तो लानत है ऐसी सरकार पर और ऐसी सरकार की नीतियों पर। दूसरी बात कि रिमोट एरियाज में ट्रेन्स की सुविधा नहीं जा पाएगी, सुदूर क्षेत्रों में, जिससे जो लोग वहां के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हैं वो वंचित रह जाएंगे, वहां के रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा या जो आगे की परियोजना है रेलवे के संदर्भ में वो भी रुक जाएगी। तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए है स्टूडेंट्स, जो टीनेजर्स मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि रोजगार में एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी, रोजगार अर्थ से फर्श की तरफ चला आएगा। और चूंकि ये प्राइवेटाइजेशन है, इसमें प्राइवेट अथॉरिटी रेलवे को संभालेगी, तो ये इसको बिजनेस माइंड से देखेगी, और रेलवे कर्मचारियों के लिए भी एक झटका है क्योंकि पेंशन उनको नहीं मिलेगा। 2004 से ऐसे भी पेंशन नहीं मिल रहा है, उसके पहले जो लोग थे उनके भी पेंशन पे एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। अब इस चीज को एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। जैसा अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम है, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आने वाली वैकेंसी जो है काफी रिड्यूस होगी, जो कि एक रेलवे के छात्रों के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इससे आपको कतई विचलित नहीं होना है, बहुत सारे अदर सेक्टर्स हैं, बैंक है, एसएससी है, और ऐसा नहीं है कि अभी जो करेंट है उस पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जो वर्तमान वैकेंसीज है उसमें आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपके सिलेक्शंस का चांस ज्यादा होगा, क्योंकि इसके बाद प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वैकेंसीज पे बुरा असर पड़ने वाला है। तो ये जो अभी एनटीपीसी की 35,000 वैकेंसी या आरआरसी ग्रुप डी की 1,00,000 से ज्यादा वैकेंसी दिख रही है, वो आने वाले समय में बिल्कुल कम दिखेगी और नहीं के बराबर दिखेगी। तो आज की इस YouTube वीडियो में प्राइवेटाइजेशन के क्या, प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ, क्या कारण थे, प्राइवेटाइजेशन सरकार की एक चाल है, सरकार की चाल है, मतलब आर्थिक मंदी जिस तरह से है तो उनको ऐसा लगता है, नीति आयोग को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट को प्राइवेट में बदलने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। और इस कुछ दिनों खबर आई थी पहले कि VSNL और MTNL भी बंद होने वाले हैं, और सरकार को यह कहीं ना कहीं डर है इन सरकारी एजेंसियों में प्राइवेट सेक्टर का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, उससे आर्थिक विकास दर में यह नहीं हो रही है, तो यह सरकार का वहम है। मैं आपको बता दूं, सरकार की अगर नीति ठीक हो ना तो यह सरकारी एजेंसियां भी रहेंगी, लोगों को इनका फायदा भी मिलेगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। साथ में लोगों की भी सहभागिता होनी चाहिए, लोगों की सहभागिता अगर सरकार के साथ नहीं होगी तो सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। हालांकि सरकार इन नीतियों में बिल्कुल नाकाम रही है, बिल्कुल फेल रही है,
जो तात्कालिक सरकार है मोदी सरकार, वो बिल्कुल इन नीतियों को बनाने में असफल रही है, जिसका परिणाम आपको दिख रहा है, बेरोजगारी दर ऊपर जाना, आर्थिक मंदी आना। चाहे सरकार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रही है सरकार, जीएसटी, नोटबंदी, बैंकों का विलय और उसके बाद रेलवे का निजीकरण, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इसे किस तरीके से लेते हैं। और ये मैंने आप वीडियो आप सभी के लिए बनाई है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो YouTube पे सर्च करें पंकज कुमार सिंह द डायरेक्टर ऑफ प्रीमियर कोचिंग। जैसे ही आप इसे सर्च कीजिएगा, लाल बटन का यानी रेड बटन का सब्सक्रिप्शन बटन आएगा, उसको दबाइए, उसके बाद टैब बेल आएगा यानी घंटी आएगी, उसको दबाइए, उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मैं यहां से वीडियो बनाता चला जाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, गुड डे।